सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू गेमोलॉजी। तो आज हम बात करने जा रहे हैं अपने माइनक्राफ्ट के ओल्ड प्लेयर के बारे तो भाई में। क्या आपको पता है कि जो प्रेशर प्लेट और कैटी होती है वो दिखने में बहुत बड़ी होती है माइनक्राफ्ट में, और जो ग्राउंड में पड़ी हुई होती है जिसका मतलब होता ऐसे ही है रख दी गई है, आप समझ गए और होंगे। भाई आपको क्या पता है कि जो केव्स होता है माइनक्राफ्ट में वो स्टोन के बाहर के बने होते हैं जिसको आप फाइंड नहीं कर सकते बिना ब्लॉक्स और के। ये केव को दिखने में बहुत ही ज्यादा सिंपल बनाती है। बात करें अपने अल्फा बीटा डेज में माइनक्राफ्ट के, तो जो जॉम्बी पिगमिन होता था, अरे भाई जिसका यूज हम लोग ड्रॉप कुक्ड के लिए करते थे, पॉक चॉप, स्ट्रॉन्गेस्ट फूड को माइनक्राफ्ट में अपडेट हो और जाती गाइस थी क्या तब आपको हम पता मेक है कि करते जो थे। ओल्ड लावा था टेक्सचर, जो आपको थोड़ा बहुत याद होगा, अगर नहीं याद है तो मैं आपको बता दूं कि ये जो टेक्सचर था वेटरन था। अगर आप उनमें से कोई एक प्लेयर हैं खेलने वाले, तो फ्यू ईयर्स में आपने देखा होगा कि ये एक हाउस बनाया गया था वो जो कि पूरा डायमंड का था, उसी को हम माइनक्राफ्ट वेटरन बोलते थे। लोग इसी तरह का घर बनाते थे। तो भाई अब आगे बढ़ते हैं अपने माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड में। तो अगर हम बात करें वुडन प्लैंक की, तो